मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज के अंक में हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में और स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में, मतलब हाउ टू वी कैन रिकॉग्नाइज स्टेम। तो सबसे पहली बात होगी स्टेम है क्या और स्टेम कहाँ पाया जाएगा। जब हम बात करते हैं स्टेम का तो हमारे दिमाग में ये आता है कि स्टेम जमीन से ऊपर होगा, मतलब प्रोस्ट्रेट होगा, सीधा होगा। तो स्टेम सीधा होता है, स्टेम कहां से निकलता है तो पहले हम जानेंगे। जब सीड जनरेट करता है, जैसे यहाँ पे एक सीड है, मान लीजिए डाइकॉट का सीड है, सपोज दैट ये जनरेट किया तो इसकी रूट बनी, रूट के बाद से कुछ पार्ट्स इसकी एरियल, दैट मींस यह जो स्ट्रक्चर होगा ऊपर की तरफ जाएगा और यहां से फिर निकलेगी लीव्स, और लीव्स के बाद से फिर ये ऊपर बढ़ते बढ़ते एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे जो एरियल पार्ट है, मतलब जमीन से ऊपर जो पार्ट है, वही हमारा क्या है, स्टेम। तो पहली जो पहचान है स्टेम की, हम उसके ऊपर वाले या ऊपरी पार्ट को देख करके पहचान सकते हैं, करेक्ट। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे स्टेम के और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या और हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, कहीं पे भी आप स्टेम को देखते हैं तो एक बहुत ही जनरल मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है इसका नोड और इंटर नोड। कैसे हम समझ सकते हैं नोड और इंटर नोड? नोड और इंटर नोड को हम समझेंगे एग्जांपल देकर के, इसका साइड डॉल का, दूब घास का, दूब घास देखेंगे या हम रीड घर को बोलते हैं, घर को देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बांस का है। आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेम हमने बनाया, उसके बने ये, और स्टेम के यहाँ पे ये चित्र आप देख रहे हैं, ये और ये, मतलब ये मेन स्टेम हो गया और ये लाइनिंग दिख रही है। ये लाइनिंग क्या बताती है, ये लाइनिंग ये बताती है कि इस स्टेम का ये यहाँ पे जो पूरा पार्ट है ये लेकर के इसका नोड है, और ऐसा स्ट्रक्चर ये भी है तो ये भी क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा नोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, मतलब यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर नोड। तो आपने ये देखा कि नोड और इंटर नोड डिस्टिंक्ट है, क्लियर कट है। किसी भी स्टेम में अगर नोड और इंटर नोड अस्पष्ट दिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टेम। ये बहुत बड़ा पहचानने का तरीका है इसका, नोड का और इंटर नोड का। अब आगे हम देख सकते हैं अगला जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत पूछा था, ये आपके नीट के सिलेबस का है। अभी जो नीट पिछली बार आया था उसमें कई सारे क्वेश्चन राइज किए गए थे फ्रॉम दिस टॉपिक, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मतलब होता है कि स्टेम को कितनी भागों में हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब कितनी भागों में रूपांतरित है, क्यों रूपांतरित है, इसका रीजन आप जानिए। स्टेम कई चीजें परफॉर्म करती है, जैसे कुछ स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ स्टेम किसी चीज को स्टोर करने का काम करते हैं, और कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनका हम यूज खाने में करते हैं। तो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है स्टोरेज ऑफ फूड, उसके आधार पे हम ये देखते हैं स्टेम को तीन मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, फर्स्ट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, मतलब जमीन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है, तो दैट इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सेकेंड इज सब एरियल मॉडिफिकेशन, मीन्स सम पार्ट इज बिलो द स्टेम एंड सम इज अपर द सॉइल। एंड थर्ड इज एरियल मॉडिफिकेशन, दैट इज टोटल जितना मॉडिफिकेशन है स्टेम का, दैट इज हैंगिंग ऑफ द एयर, मतलब हवा में है, हवा के ऊपर है। तो इस तरह से स्टेम का जो मॉडिफिकेशन था तीन तरह का होगा। पहला हुआ घूर्णित रूपांतरण, मतलब जमीन के अंदर, दूसरा हुआ अर्धवायविक, और तीसरा हुआ वायविक, ठीक है। अब जल्दी से इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है कैसे है। तो पहला हम देखेंगे घूर्णित रूपांतरण, यहाँ पे इसके तीन से चार एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कंद, जिसको ट्यूबर बोलते हैं, आप जानते हैं आलू में, आलू का, आलू आपका तना है, बहुत से स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है, बार बार बोलते हैं सर आलू क्या है, तना है, स्टेम है, तो हम पहचाने की कैसे आलू को कितना है, स्टेम है। तो बेस्ट तरीका है उसका ट्यूबर लीजिए, इसका ट्यूबर है, यहाँ पे आप देखेंगे नोड और इंटर नोड, ये इसका है नोड और इसका है ये नोड, और नोड और इंटर नोड के बीच का ये है डिस्टेंस, दैट वाइज कि अगर नोड और इंटर नोड क्लियर कट है, दैट इज क्या, स्टेम, दैट इज स्टेम, राइट। तो आपका एग्जाम्पल वाला ट्यूबर का हो गया, सेकंड इज राइस और जिंजर बोलते हैं, अदरक बोलते हैं,
थर्ड इज कॉम का कैलोकेसिया, कैलोकेसिया मतलब अरबी होता है हिंदी में, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। और चौथा है बल्ब, बल्ब मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओरियन, साइंटिफिक नेम इसका होता है एलियनसिपा, स्ट्रक्चर ऑफ ओरियन। तो इट इज ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेप, क्लियर। एंड सेकेंड इज सब एरियल, मीन्स कुछ पार्ट जमीन पे कुछ जमीन के ऊपर। तो पहला एग्जाम्पल है आपका रनर, दैट इज साइनोगाम दूधास, सतर दैट इज मेथा पुदीना को आप जानते होंगे, और तीसरा है स्टोरियम दैट इज स्ट्रॉबेरी, और चौथा जो एग्जाम्पल, चौथा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जो टाइप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इकॉर्निया। इकॉर्निया का मतलब होता है जलकुंभी, और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम क्या है, समुद्र शोक, जहां कहीं भी पाया जाएगा वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करता रहता है, इसलिए इसका नाम समुद्र शोक भी है। और इसको इसका जो मॉडिफिकेशन हो ऑफसेट है, ऑफसेट को मतलब आप देखेंगे क्या होगा, ऑफसेट ये हमने बनाया स्टेम, ये आप सपोज करेंगे दिस इज द स्टेम ऑफ इकॉर्निया प्रोसेरा, और यहां से भी यहां से हम एक स्टेम और बना देंगे, इसको जोड़ देंगे, और यहां से एक स्टेम और होगा, बात ना करें तो दैट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफसेट, होता क्या है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना होता है, यहां से ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद से इन टू पार्टों में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट से नए पार्ट बन जाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज ऑफसेट। अगला देखेंगे एरियल फिलोक्लैड है, जिसका एग्जाम्पल कैक्टस है, दूसरा है स्टेपेंटल, जिसका एग्जाम्पल है ब्रिटिश अंगूर है, और तीसरा है स्टेमथॉर, और इसको बोलते हैं जिसका स्टेप कांटों में कलर हो जाए, जिसका एग्जाम्पल है साइट्रस लिमोन, जिसको हम नींबू जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।